हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का ट्रैक MM पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने PC के लिए किस तरह से स्ट्रीम से गेम को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। काफ़ी लोग PC के लिए गेम्स खरीदना चाहते हैं पर वो कई बार ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होती हैं। तो दोस्तों, स्ट्रीम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप गेम्स को खरीद सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल पर जाना है, आपको स्ट्रीम डाउनलोड करना है। यहाँ से बहुत सारे गेम्स और सॉफ्टवेयर आप परचेज कर सकते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं पर पेड वाले ज़्यादा अच्छे हैं, फ्री वाले तो मुझे इतने अच्छे लगे नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रीम हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, तो वेलकम टू स्ट्रीम करके यहाँ पे ऑप्शन जो है वो खुल जाता है गूगल में। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जो वेलकम टू स्ट्रीम है, इस वाली जो स्ट्रीम की वेबसाइट है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो स्ट्रीम की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर खुल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने PC में इसको, इसका जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। वैसे तो यहाँ से भी आप साइन इन करके बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट आप देख सकते हो, जितनी भी PC की नई नई गेम्स होती हैं या कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, कुछ वीडियोज़, काफ़ी सारी चीज़ें इस वाले जो है वेबसाइट पे अवेलेबल रहती हैं। जैसे कि आप W2K19 वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, सारी नई नई गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी और काफ़ी ऑफर भी यहाँ पे चलते रहते हैं और बहुत ही इजी है खरीदना। और दोस्तों, जो तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड नहीं है, तो हम किस तरह से खरीदें या इस तरह से क्या हो, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आप पेटीएम के जरिए किस तरह से खरीद सकते हैं। बहुत ही पेटीएम मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑफर्स यहाँ पे चलते रहते हैं, प्रमोशन ऑफर चलते रहते हैं गेम्स के ऊपर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी गेम्स आपको मिल जाएंगी और काफ़ी सारी ऐसी गेम्स भी मिल जाएंगी जो ऑफलाइन नहीं अवेलेबल होती है। मुझे भी काफ़ी सारी गेम्स यहाँ से ऐसी मिली जो मुझे ऑफलाइन नहीं मिल रही थी। ओडिसी भी यहाँ पे अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे प्राइस में अवेलेबल है। और यहाँ पे सिमुलेटर वगैरह है, काफ़ी सारी गेम्स है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है स्ट्रीम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैटेगरीज जो है, आप देख सकते हो बहुत सारी कैटेगरीज हमें मिलती है। तो इंस्टॉल कर लेना होता है सबसे पहले। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे को इंस्टॉल नहीं करना है इसको, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे आप वो तो अलग बात है, पर पहले आपको इसमें लॉगिन भी करना होता है। आपको अपनी एक ID बनानी होती है, यहाँ पे आप साइन यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट ID करना है। अगर आपने बना रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्रिएट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रीम को। फ्री है, किसी भी तरह कोई पैसा नहीं देना होता है जब आप इसको ज्वाइन करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपको अपना ईमेल ID वगैरह टाइप करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो मांगते हैं वो देना होता है। उसके बाद जो आपकी ID है वो स्ट्रीम पर बन जाती है और आप स्ट्रीम को एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से भी, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी, अपने पास एप्पल फ़ोन है उसके अंदर भी इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आता है, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी आप गेम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं वो आपके अकाउंट में सेव हो जाती है और बाद में आप कभी भी उसे अपने PC में या फिर किसी और लैपटॉप में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको एक टूर कराता हूँ इस साइट का कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो दोस्तों, ये तो मेन पेज है जो खुल जाता है, आपने ID बना ली, आपने इसे इंस्टॉल कर लिया, ये काम तो खैर अब हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि आपको कौन सी गेम चाहिए। बहुत सारी गेम यहाँ पर रहती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। ऊपर आप देख सकते हो माई स्टोर में क्या क्या चीज़ें, गेम्स में क्या है, बहुत सारी गेम्स हैं दोस्तों। VR से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी गेम्स हैं, आपको हर कहीं पे नहीं मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे डर्ट को परचेज करने वाला हूँ, आपको खरीद के दिखाऊंगा किस तरह से। यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी गेम आपको चाहिए, अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे पूरा वीडियो पहले चलेगा गेम का कि किस तरह की गेम है यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, पूरे रिव्यूज़ होंगे, हर चीज़ होगी यहाँ पे नीचे दिखाई जाएगी आपको। तो उसके रिव्यूज़ के आधार पर आप देख सकते हैं, गेम को जज कर सकते हैं कि गेम कैसी है। थोड़ी सी पुरानी गेम है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं इसको क्यों परचेज कर रहा हूँ, पर मुझे ये हमेशा से खेलनी थी, काफ़ी अच्छी गेम है, आपको फुल खेल के दिखाऊंगा। यहाँ पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, आप इसे ऐड टू कार्ड कर सकते हैं जिस तरह हम नॉर्मल परचेज करते हैं अमेजोन वगैरह से। तो नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, रिव्यूज़ हैं, लोगों ने रिव्यूज़ दे रखे हैं, इसको रेटिंग मिल रखी है कि किस तरह से है। दोस्तों, ये वाली जो गेम है वो VR को भी सपोर्ट करती है, तो आपका VR है तो आपके लिए फ़ायदा है। और यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, सबसे ज़रूरी है दोस्तों ये देख लीजिएगा कि ये जो गेम है इन्होंने नीचे देख रखा, कोई भी गेम है वहाँ पर लिखा होता है कि ये कौन से सिस्टम में चलने वाली है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और रिकमेंड वाली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर रिक्वायरमेंट मैच कर रही है आपके PC से तभी दोस्तों आप गेम को खरीदें, तो कहीं अपना पैसा ना वेस्ट करें, बाद में गेम चले ही ना तो प्रॉब्लम हो आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, जब ऐड टू कार्ट करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब आपको पेटीएम से कैसे परचेज करना है दोस्तों, क्यों तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ से आपने इसको ये क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पेपर वॉलेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों, आप वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है पर मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया, पता नहीं ये किस तरह से वर्क करता है। उसके अलावा दोस्तों, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, पर अगर आप पेटीएम से करना चाहते हैं या फिर और अदर जो वॉलेट होते हैं उससे करना चाहते हैं, आपको ये सिलेक्ट करना रहता है। तो अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया है तो अब आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट कंटिन्यू करना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है और देख सकते हो दोस्तों, इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब हमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हमें यहाँ पे एग्री करना होगा। अमाउंट उसने बता दिया कितना अमाउंट जो हमारे प्रीपेड वॉलेट से कटने वाला है, तो आपके पास पेटीएम में उतने पैसे होने चाहिए जितने की ये गेम है, तो हमने एग्री कर लिया यहाँ पर। ओके, तो उसके बाद कुछ नहीं करना है हमें, जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपको कहाँ पे बिल ये कराना है, किसके नाम पे कराना है, तो आप ऐसा भर सकते हैं, एड्रेस
एड्रेस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आप प्रीपेड वॉलेट को सिलेक्ट करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, जियो मनी भी है यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं तो। ये रहा पेटीएम, तो हम पेटीएम से करने वाले हैं, तो पेटीएम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है लॉगिन करना होता है, आप यहाँ पे ये खुल गया है आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ सिलेक्ट पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे लॉगिन करना रहता है, जहाँ पे हमें नंबर डालना है, जो पेटीएम का हमारा नंबर है वो हमें यहाँ पे डालना होता है। तो आप अपना पेटीएम का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो मैंने नंबर डाल दिया। उसके बाद ये आपका से ओटीपी भेजता है आपको, और ओटीपी मांगेगा, नहीं आता तो रीसेंड भी कर सकते हैं आप। जो ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा वो ओटीपी यहाँ पे आपको भरना होता है, और आपको लॉगिन सिक्योरिटी करना होता है। तो जब ये आप चीज़ करते हैं तो जो आपका परचेस है वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, और यहाँ पर देखिए बता रहा है कि मेरे पास इतना पैसा पड़े हैं, तो मैंने यहाँ पर परचेस किया, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, और अब थोड़ा सा वर्किंग कर रहा है ये दोस्तों, वर्क कर रहा है। और जैसे ही कंप्लीट होएगा मुझे एक ईमेल आएगा, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ गया दोस्तों कि मैंने ये गेम परचेस कर ली है, थैंक्स फॉर योर परचेज। वो अलग बात है कि परचेज करने के थोड़ी ही देर बाद ये गेम 275 की हो गई थी, और मैंने 899 की परचेज किया, बैड लक। तो ऐसा भी हो जाता है, तो कभी कभी मेरे साथ हुआ नहीं, क्यों होता है। तो खैर ये हो गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया इंस्टॉल करने का, तो यहाँ पे अभी भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, जब आपका मन हो, जब आपको करना हो। और ये आपके पास सेव हो चुकी है, कभी भी आप कर सकते हैं, अब ये गेम आपकी है। तो चलिए यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसको एग्री कर लेते हैं सारी इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, तो हमने ओके कर लिया है, और अब हम बहुत ही जल्दी इस गेम को खेल पाएंगे, जो मैं बहुत सदियों से खेलना चाहता था, यानी कि कुछ सालों से खेलना चाहता था। तो फिर खैर G29 पे बहुत मजा आएगा, पर मैं अभी G29 पे क्लिक नहीं करूंगा। ऑप्शन यहाँ पे बन चुका है दोस्तों गेम का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी डर्ट रैली है वो हो चुकी है इंस्टॉल, अब हमें प्रेस करना है एंटर का बटन। और अगर आप चाहें तो स्टेयरिंग व्हील से, कंट्रोलर से भी खेल सकते हैं, बहुत ही कमाल की गेम है। और रेसिंग होती है इसके अंदर, रैली है एक तरह की, तो जैसा कि वो MTV वाली हमने साइकिलिंग वाली की थी वैसी कुछ कुछ है। तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, थोड़ी सी टफ रहती है इसमें कार चलाना, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों, तो आप देख सकते हो दोस्तों गेम थोड़ी सी पुरानी है, तो ग्राफिक्स क्वालिटी आपको मैं नहीं कहूँगा इतनी टॉप नॉच मिलेगी, पर ऑल ओवर ओके है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर गेम में मज़ा आता है, तो फुल्ली कंट्रोल होती है गेम, जो कार है आपके हाथ में। आजकल तो ऐसा हो गया कि कई बार कार आप चला रहे हैं पर उसके अंदर पूरा कंट्रोल आपको नहीं मिलता, वैसा नहीं है इस गेम में। आप जो भी चीज़ करते हो बिल्कुल आप महसूस कर सकते हो चीज़ को, कि गाड़ी किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही है, बहुत ध्यान रखना होता है। और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा कि इसमें, इस गेम में थोड़ा सा कंट्रोल थोड़ा सीखने की जरूरत होती है, शुरू में कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको अल्ट्रा में खेल रहा हूँ गेम को, क्योंकि अभी मैं 1060 है मेरे पास इस अपने PC में, आपको तो पता ही है ना मेरे PC में 1060 है फिलहाल, बाद में अपग्रेड करूँगा तो वो अलग बात है दोस्तों। फिलहाल के लिए ये गेम अल्ट्रा पे चला देगा, और इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट भी आप वहाँ पे पढ़ लेना, इतनी ज़्यादा कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है इस गेम की। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वैसे आपको तरीका बताया कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं गेम्स को स्टीम से, और अगर रैली को आप करना चाहते हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो स्टीम ने 275 कर दिया हो, काफ़ी चीप रेट पर थी, मुझे दिल को बहुत धक्का लगा यार, मेरी महंगी परचेज करी, रेट इतनी सस्ती होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है डिस्काउंट चलते रहते हैं दोस्तों स्टीम पर, तो आप ध्यान रखिएगा। मैंने जब ट्रक सिमुलेटर परचेज की थी टीम से, तो मुझे 275 ऐसे कुछ पड़ी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। ओके, तो दोस्तों गेम काफ़ी कमाल की है, मैं आपको उसका फुल रिव्यू दूंगा गेम का जल्दी ही, और अगर आपको उसका फुल रिव्यू देखना हो तो मुझे बताना जरूर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था जो मेरा छोटा सा वीडियो था इस बारे में कि किस तरह से आप गेम को परचेज कर सकते हैं स्ट्रीम से। दोस्तों खैर आज की वीडियो हमारी बस यहीं तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ के लिए, शेयर करें, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।